नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में बिहार पुलिस और एंटी लीगल टास्क फोर्स के द्वारा करीबन 86,000 शराब तस्करों पे नकेल कसा गया। देखिए, तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए पुलिस मुख्यालय के जो एडीजी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार, वो क्या कुछ कर रहे हैं आप देखिए इस वीडियो में। ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का प्रेस ब्रीफिंग का फॉर्मेट रहता है, विशेष प्रभागों की विशेष उपलब्धियों की हम पहले चर्चा करते हैं। मेरे पास में आंकड़े 2022 में हैं ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत ALTF के आंकड़े। ALTF के आंकड़ों के साथ साथ पिछली बार हमारे पास में वज्र के आंकड़े भी थे, तो वज्र के आंकड़ों को मैं केवल दोहरा देना चाहता हूँ। वो पिछली बार हमने बता दिया था, ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत वज्र के अंतर्गत कुल 88,649 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो गंभीर कांडों में शामिल थे। इसमें पुलिस पर हमला, पिछली बार आप लोगों ने कहा बढ़ रहा है, 3,857 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हत्या के 5,916, हत्या के प्रयास के 17,419, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 4,988, कुल 88,649 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत वज्र टीम से। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा, वो है एंटी लिकर टास्क फोर्स का, जिसका मुख्य कार्य शराब बंदी से संबंधित अधिनियम से संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार करना। उसमें भी 86,464 लोगों को पूरे साल में इस ALTF के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कुल ALTF की संख्या 215 है और इसमें करीब 21,301 शराब भट्टियों को पूरे साल का आंकड़ा है 2022 का, 21,301 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। देशी शराब 7,70,000 लीटर और विदेशी शराब 9,75,000 लीटर लगभग बरामद की गई। डिटेल प्रेस नोट में आपको अपलोड करूंगा। इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिदिन प्रति माह ALTF करीब 10,688 गिरफ्तारियां कर रहा है। यह जो है दिसंबर महीने में जो गिरफ्तारी हुई है, वह जो 11 महीने की हमारी गिरफ्तारी थी एवरेज, उससे 48% अधिक है। ये शो करता है कि किस तरीके से दिसंबर महीने में भी हम लोगों ने लगातार अभियान चलाया। 5 जिले जहां पर अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं इस ALTF के द्वारा, उसमें मुजफ्फरपुर 1 नंबर पर, बक्सर 2 नंबर पर, भागलपुर 3, कैमूर 4 और सारण 5 नंबर पर है जहाँ सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई। तो अभी आपने देखा जो पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार, उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में करीबन 86,000 शराब तस्करों शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि करीबन 9 लाख विदेशी शराब को नष्ट किया गया है, जब्त भी किया गया। और भी क्या कुछ जानकारी दे रहे थे पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।